नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में भोपाल संभाग के वकील बुधवार को हड़ताल पर रहे। इसके चलते भोपाल संभाग की सभी अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकी। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया कि भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा की अदालतों के वकील हड़ताल पर हैं। 5 दिवसीय हड़ताल का बुधवार को पहला दिन था। मांग नहीं पूरी होने पर 26 फरवरी तक वकील हड़ताल पर रहेंगे। कोठारी ने दावा किया है कि भोपाल में करीब 14,000 केसों की सुनवाई नहीं हो सकी है। हड़ताल की जानकारी नहीं होने की वजह से कई पक्षकार, उनके परिजन कोर्ट पहुंचे, जिन्हें बिना सुनवाई के वापस घर लौटना पड़ा। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया, दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 25-25 पुरानी प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए मध्य प्रदेश के समस्त न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया था। इसके कारण वकीलों के साथ पक्षकारों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जजों पर पुराने केसों के त्वरित निराकरण का दबाव है। ऐसे में जज नए प्रकरणों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नए प्रकरणों की लंबी लंबी तारीखें लगा दी गई हैं। जब इस संबंध में वकील सुनवाई का निवेदन करते हैं तो कोर्ट द्वारा यह दर्शाया जाता है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण उन्हें तो सिर्फ 25-25 प्रकरणों का ही शेष निराकरण करना होता है। वहीं आपको बता दें, मांग पूरी नहीं हुई तो 26 फरवरी तक वकील काम नहीं करेंगे। भोपाल जिला अभिभाषक संघ में करीब 8,000 वकील रजिस्टर्ड हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।